हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया। वंदे भगवती देवी चिरामंच जगद्गुरु पाद पद्मे तय श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहु प्रणमामि मुहुर्मुहु। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सिद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली आजर मालिका वचन आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊे जे महापुरुष अच्युतानंद हरिअर्जुन चौतीसा हरिअर्जुन चौतीसारे आम च पर्यंत आलोचना करमी शब्द संजोजना कर देखते च रे कौन कहले ठीक कथा महापुरुष कहते असत जन जे ज्ञान अभ्यासिबे सत्यवंत भाषे थटा। जदि आज देखिए समाज रे कि मानको आदर कौ माने पाउछन्नो क्यों मानको प्रशंसा मिलूँ अधिकांश समय अधिकांश ठारे आपण देखिबे जी असत लोक मालिक जहाँ लिखी आज देखते हूँ जी असत लोक जी मंद लोक जी भूल लोक तांकु बेसी प्रशंसा आज देखत कर बेसी से मैंने ज्ञान अभ्यास कर असत लोक टेकि टेकि कहले हाँ भल असत लोक जे ज्ञान अभ्यास सत्यवंत भाषे थटा जो जन सत्यवंत लोक जी से कथा कहले थटार करेंगे कहीं सी तार पैसा अच्छी से बड़ लोक सीमित पदपदवीर अच्छी आज्ञा आपत जोटा कौन हाथीर पांचटा गोड़ हाँ आपण कही मैंने सी निश्चित होदब तेणु असत लोक जे ज्ञान अभ्यास सत्यवंत भाषे थटा। समाज रे उदाहरण आज अभाव ना प्रशंसा आप देखिए तो आप कहीपरें ना बड़ लोक को उत्तर ना नी बड़ लोक को उत्तर ना आप उत्तर किसी देपरें कारण सी जहाँ कहले भी मानिया को ग्रहण करने को आप बाध्य आज भूल लोक समाज में देखिए सी ज्ञान अभे आसुच्च सी ये करु सत्यवंत जदि गोटे लोक से कथा कहला लोक थटार उठे ये कौन कह जदि जड़े गरीब लोक चाउल चोबेला चाउल खाला ना पेट बढ़ी जाऊँ तार खाऊ कौन कर जो धनी लोक जदि से चाउल चोबेला खुशी खाऊ खुशी दीटा पेट्रोल पकईदे बुझे से कारण जहाँ था कहीं तेणु ये समाज रे प्रथा आज चली महापुरुष ताकू सुंदर भाव में चित्रित करिकारे आउ निर्गुण विगुण दोष जे हो लगी हटहटा से आज समाज में हटहटा लगुच उचित कथा कह ठीक भूल जदि मुहेर कह तुम भूल कथा कहल तुम्हें भूल लोक तुम्हें ठीक है कि ठीक कथा कह से कथा कह दुनिया आज कहीं ना नहीं कहीं मुझे दोषी होजी कि मुझे मत से खराब भावे कि मोर चाकटा काले चल कि मोर काले कौन असुविधा हो भय मनीष भी रोचे बोली आज भूल लोकर कि प्रतिवाद करने को ना समाज में प्रति से कहुई एक कथा अनाचार बढ़ता तब सदाचार चुप रहता जब सदाचार जे पर्यन चुप होते पर्यन अनाचार संसार बढ़ी चलो तेणु अनाचारी लोक मैंने से पर्यंत बढ़ी चलिए से पर्यन अनाचार घटे चलिए जेपर्यंत सदाचारी मैंने चुप हो रही थे कारण भगवान कृष्ण से द्वापर युगर अर्जुन को हे अर्जुन संसार ये दुनियार क्षति जिते दुरात्मा मैंने करूना से सदात्मा मैंने चुप व नीरव हवा फल
ये दुनिया रे बेसी क्षति होउची, संसार समाज रे बेसी क्षति होउची। सदात्मा मानकर नीरवता, सदात्मा मानकर सज्जन मानकर नीरवता बा चुप ही दुरात्मा को प्रोत्साहन देउची, दुर्गुण को प्रोत्साहन देउची, खराब को प्रोत्साहन देउची। ई कथा महापुरुष लिखिले लाग समाज रे हटहटा लागिबो सिमिति। पुणी कहिले बोले पुरुणा घरुआ उजाड़ी पड़े नीच हेबे उच्च कूल बहुल नीच हेबे उच्च कूल सर्वजाति मिली भोजी आरंभिबे भांगिबे दिया देउल जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। कौन कहिले बोले पुरुणा घरुआ उजुड़ी पड़े, पुरुणा घरुआ माने उजुड़ी पड़े नीच हेबे उच्च कूल। ये कथा महापुरुष 600 वर्ष तले लिखिथिले, आज देखता है आगे बेसी आलोचना आम करवा ना कहीं कले। महापुरुष कहते वर्तमान जहाँ है पारिपार्श्विक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था जहाँ है ये कथा को विशेष भाव में आलोचना नक भल, कारण लोक बुझ समझदार आदमी को इशारा काफी, जे बुझीजी ताको इशारा देदेले से जापर घटना कौन मालिकार कौन पे लिखिले पुराणा घरुआ उजाड़ी उजुड़ी पड़े नीच हेबे उच्च कूल। ठीक है पुराणा घरुआ लोक आप देखुना आओ अच्छी ना उजुड़ी पड़े पर आज भांगी जौथ पर आज कौटी आप देखा पाइबे ना जौथ पर कौटे देखा पाच गोटे पर सदस्य संख्या आगुरु थे बहुत 30, 40, 50, 60 से पुराणा घरुआ से घरुआ मैंने अच्छा ना से सब उजुड़ी पड़े पचार चे से पर सब विक्षिप्त हो आउ नीच हेबे उच्च कूल ताइ सर्वजाति मिली भोजी आरंभिबे भांगिबे दिया देउल। महापुरुष एक कथा मालिकार जगन्नाथ जहाँ लिखिं जगन्नाथ दास ओडिया भागवत से कथा कही कौन कहले बोले सर्वे हो इबे एकाकार नथिब बेदर विचार गोविंद 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 सर्वे होइबे एकाकार नथिब बेदर विचार। वेद कहिले ज्ञान ज्ञान गुणीमंडली आम हिंदू मानकर धर्मग्रंथर ना हो वेद, मुसलमान मानकर धर्मग्रंथर ना हो कुरान, ख्रीस्टियन मानकर धर्मग्रंथर ना हो कौन ना बाइबल, सिख मानकर धर्मग्रंथर ना हो संत साहेब। से भाया जो वेद हूँ आम हिंदू मानकर धर्मग्रंथ ना आ से वेदर आक्षरिक अर्थ हो ज्ञान, तेणु से महापुरुष कहते से वेदर विचार रहा वेदर ज्ञान विषय आलोचना कर मनीष किमी समाज में चल क्यों नीति निम चढ़ दरकार किमी संसार बचब तेणु ये सब नीति निम वेदर उल्लेख रही तेणु महापुरुष कहते वेद विचार रहा कहीं सर्वे हो एकाकार नेदर विचार ता मत आज जहाँ महापुरुष मालिकार लिखिदे आज ता सत्यरे परिणत हो महापुरुष अच्युतानंद जी की तेणु ज्ञानी गुणी मंडली सुधीजानी ये हूँ कौन ना महापुरुष बाणी पुनः कहले कहे छाड़ीण सकल धर्म पापे दीन ने छाड़ीण सकल धर्म पापे दीन ने छंद कपट आचरी कुटुंब पोषिबे छंद कपट आचरी कुटुंब पोषिबे छंदी हेबे छाड़ी दया धर्म भाव होबे छंदी हेबे छाड़ी दया धर्म भाव होबे छपरे छे महापुरुष लिखिले हरिअर्जुन चौतीस सारे ज्ञानी गुणीमंडली अर्जुन को भगवान कही द्वापर जुगरे से कथा महापुरुष कहते छाड़ी न सकल धर्म पापे दिन ने आज हो आज छाड़ी न सकल धर्म पापर दिन सब नौ ना सबु धर्मकर्म किए का मान धर्मकर्म कि मानुचे ना केतबेले को धर्म पालन करवा दरकार कौ नीति नियम पालन करवा दरकार ई मंदिर को ये टाइम जीवा दरकार गुरु नख ये टाइम ये दिन ये बार काटा दरकार ये सब नीति नियम धर्मकर्म सब रही गोटे पितार धर्म कौन गोटे पुअर धर्म कौन गोटे स्त्रीर धर्म कौन गोटे झीर धर्म कौन ये सब गोटे ब्राह्मण धर्म कौन
क्षत्रियर धर्म कौन, वैश्यर धर्म कौन, राजार धर्म कौन, प्रजार धर्म कौन, समाज रे समस्ते निज स्वधर्म रे समस्ते चलिबा दरकार नहीं। यदि स्वधर्म रे समस्ते न चलती तो महापुरुष सीतपी कले कौन हम ना छाड़ी न सकल धर्म पापे दिन ने जहाँ न करवा कथा से कम करी बुझे बेस आम खोलूना आप बुझीजी छंद कपट आचरी कुटुंब पोषे छंद कपट आचरण करी छंद कपट आचरण करी कुटुंब कले परिवार पोषे नीति बाटर पोषे ना छंद कपट आचरण करी पोषे आउ छंदी हे बे छाड़ी दया धर्म भाव हबे छंदी हे बे छाड़ी दया धर्म भाव भवे तेणु छंदी हो सब थे जदि महापुरुष लिखिंट कौन ना छंद कपट करी कुटुंब पोषे विभिन्न प्रकार छंद कपट करी नीति बाटर नुह परिश्रम करी नुह तुम चाहते कमी कम परिश्रम कर रोजगार करती कि नहीं किमी जा कम परिश्रम अधिका रोजगार करवा यशा आज समस्त हारी बिना परिश्रम किमी अधिका लाभ पाइबा ये कथापाई समस्ते आज गणदौड़ करना परिश्रम करवानी किमी आम अधिका रोजगार करवा सी जड़े चाषी मूलिया ठार आरंभ करी बड़ मालिक पर्यंत जिते बड़ मालिक हूँ जिते बड़ अफिसर हूँ से समस्त जानते कम परिश्रम अधिका लाभ किमी पाइबा अधिका किमी पैसा रोजगार करवा तेणु महापुरुष से कथा कह छंद छंदी हे छाड़ी दया धर्म भाव भवे हे छंदी हो लोक मरवे संसार ये बाटर अधिका रोजगार कले सेपटे कौ बाटर आपंकर पड़ेब बिना परिश्रम जब कौटू पैसा आनी खटिकी जब न आनी यदि ह्वैट मनी ना ब्लाक मनी तेल से कौ बाटे पड़ेब महापुरुष से लिखिं तो उभाधन मान राजा हरी ने पोता हरबे बासुकी बड़ बड़िया जे कही न रे हेतु कर राम निकी मालिका लिखि कौ बाटे जीव पुणी कहले च छ कौन कहले जल नब रसींद्र करीब आछन जल नब रसींद्र करीब आछन जानी रख मिथ्या नोहे मोहरी बचन जानी रख मिथ्या नोहे मोहरी बचन जल ही नहे जड़ी जीव कृषि शस्य मान हे जड़ी नहे जड़ी जीव कृषि शस्य मान हे जल नब रसींद्र करीवाच्छन आपण देखंतु ताहा वर्तमान घटुची धरी मेघ मान बरसान करी शून्य मिलाउण थिवे धरणीर चाषी मेघ को चाहीण अति व्याकुित हे वर्तमान परिस्थिति रे आपण देखंतु ताहा ही देखा दौ धरी मेघ मान जोर उठाऊँ जमी कलाहांडिया मेघ उठाऊँ कि पंदर कोड़े मिनट बर्षी जाए कि छाड़ जाऊँ नहीं अनेक कौन ये वर्षा कौट बनागला कौट अमक जगार पा जलप्रल हो किसी समय किंतु चाषपी जी जल दरकार चाषपी जी वर्षा दरकार गोटे चाषीपी जहाँ दरकार से मिलूना ही ना ताल कौन हो महापुरुष कहते जल नब रसी इंद्र करीब आच्छन इंद्र आच्छन कर दे थब कला मेघ आकाश रे किंतु जल वर्षिब ना से महापुरुष मालिकार लिखिले धरी मेघ मान बरसान करी शून्य मिला गुण थिबे बहुल शून्य मिला गुण थिबे धरणीर चाषी मेघ को चाहीण अति व्याकुित हेबे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ धरी मेघ मान बरसान करी शून्य मिला मेघ उठौथब कलाहांडिया कि शून्य पुणी मिले जीव यही घटना घटव बोली महापुरुष मालिकार छह सौ वर्ष तले लिखिंट आज देखु ताली महापुरुष अच्युतानंद जी की ज्ञानी गुणी मंडली आज देखते ये कथा के सत्य से महापुरुष लिखिं मालिकार आषाढ़ श्रावण मासे नोहिब बरसा आषाढ़ श्रावण मासे नोहिब बरसा बिहन जाई बिले कांदुथि बचसा बि
हन जाइबिले कांदु थीब चसा जा लेखिथिले आज देखंतु प्रत्यक्ष रहउच आषाढ़ श्रावण चली गला आषाढ़ श्रावण मासे नोही बरसा आ बरसा नहले बिहन हजेइबिले बिहन हजे कौन तार हजि गला ना बिहन बुणी देथबो बिहन जने चसा चासी से बिलरे बुणी थिबो किंतु महापुरुष कहते जी हजिगला गोटे हजिजा जहाँ कौन मिल तेणु से ही बिहन से पुणी अमल करके आनी पार ना तो कहती जो बिहन से बुणी आतीक सी पाइबना अर्थात बिहन हजिगला बोली जानवे जीक सी बिहन बुणी किंतु वर्षा अभाव कौन हम इंद्र वर्षा करना आषाढ़ श्रावण से जहाँफल कि जीक बुणी से मिलना कितु मुठाए बुणी तो सी बस्ताए पाइबा कथा ना कि मुठाए पाइबापी कष्ट महापुरुष लिखते बिहन हजाई बिले कांदु थी चसा आषाढ़ी सस्य श्रावणीना नीरा सस्य श्रावणीरापरी वर्षा अभाव हब जे आषाढ़ श्रावण मास रे हे ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जाने बेले बेले आम देखा पाऊ खरा दिन जो था स्थाने स्थाने सब निया लग जामें जानू विभिन्न पत्र पत्रिका मध्यम खबर पाऊ लोक मैंने शुणाशुणी खबर दिखती आगुरी अनेक सब गाँ गाँ सब चाड़घर थी से चाड़घर थी जो सी खरा दिन जना जाए सी अमुक गाँव में निया लगी से चाड़घर निया लगी आम खबर पाते शुणा को पाती आज शहे दुई वर्ष तल चल जा गाँ गाँव में कोठाघर हो गला से अलग कथा नहीं कितु महापुरुष कहते आषाढ़स लगे जो वर्षा है सब आषाढ़ श्रावण मार्च धारा श्रावण मार्च धारा श्रावण लगे कथा ये सहजे निया लगे कथ नुह घर कितु महापुरुष लिखिंट मालिकार आषाढ़से पोड़ घर आषाढ़स घर पोड़े आप देखिए आउ शस्य श्रावण वर्षा अभाव आ शस्य श्रावणी न अंटीब नीर श्रावण मसरे शस्य श्रावण न अंटीब नीर शस्यपाई नीर कले जल अभाव रहिबो आउ पुणी कहले निरेख हे बे देवे चासी उड़ा निश्चय जानिबो आसीला बेड़ा निश्चय जानिबो आसीला बेड़ा निश्चय जानिबो कौन कहले निरेख हेबे जेबे चाषी कूल मान जो निरेख हो भली परिस्थिति देखी चाषी कूल निरेख हे निश्चय जानव आसला बेल निश्चय आपण मैंने जानवे महापुरुष को जो रामचंद्र तुम्हें जानव से बेल काला आसिक उपनीत हो गला से बेल काला आसिक पहुँचीगला अर्थात बारण बेल जुग शेषर समय पुणी महापुरुष झरे कहले झाड़ दंडा भांगी चाष कृषि आरंभिबे झाड़ दंडा भांगी चाष कृषि आरंभिबे छगड़ा करीण थोके ओणा मरा हेबे झगड़ा करीण थोके ओणा मरा हेबे छुरी हेबे झुरी झुरी थोके लास जीवे झुरी हेबे जे झुरी झुरी थोके लास जीवे झाड़ दंडा भांगी चाष कृषि आरंभ कथा आलोचना कर झाड़ दंडा भांगिकी कृषि करी गोचर गला गोचर गला से श्मशाणी गला और झाड़ दंडा जो गुड़िक अच्छी ताकू महापुरुष ताकू छाड़े ना से झाड़ दंडा को भांगिक कृषि से करेंगे आज हो बहुत जगार जंगल निया लगे जाड़ी चाष कर जगह को जंगल जमिकी बुझे आउ झगड़ा करीण थके हणा हणा मरा हे झगड़ा कर आगुरी नाला कितु आज टिके टिके झगड़ारु सांगे सांगे हुजुआली तरुआली राइफल बाहर नहीं चार देखिए बोमा माड़ कथा कथा के पकईदे बोमा हो
ସେଇ କଥା କହିଲେ ଝଗଡ଼ା କରିନ ଥୋକେ ହଣା ମରା ବି ଆଜି ହଉଛନ୍ତି, ମାତିବେ ମଦନ ଭୂଷୁଣ୍ଡା ପୃଥିବୀ ହୋଇବ ଗୋଳ ଗୁଣ୍ଡା, ଇ ବି ହଉଛି ଆଉ ଝୁରି ହେବେ ହେ ଝୁରି ଝୁରି ଥୋକେ ନାଶ, ଏଇ କଥାକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଅନେକ ଲୋକ ମରିବେ ଆଉ କହିଲେ ନାନା ଉପଦ୍ରବ ହେବ ଏ ମହି ମଣ୍ଡଳେ, ନାନା ଉପଦ୍ରବ ହେବ ଏ ମହି ମଣ୍ଡଳେ, ନ ମାନିବେ ସାନ ବଡ଼ ମତ ଗର୍ବ ଭୋଳେ, ନ ମାନିବେ ସାନ ବଡ଼ ମତ ଗର୍ବ ଭୋଳେ, ସେ କାଳେ ନାଶ ହେବେ ଅନ୍ୟାୟର ବଳେ, ନିଶିକାଳେ ନାଶ ହେବେ ଅନ୍ୟାୟର ବଳେ, ନାନା ଉପଦ୍ରବ ହେବ ଏ ମହି ମଣ୍ଡଳେ। ଉପଦ୍ରବ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସଂସାରରେ ବହୁତ ଉପଦ୍ରବ ଆଜି ମାନେ କହନ୍ତିନି ତାର ଉପଦ୍ରବ ଜୋରରେ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଏମିତି ସିଏ ହେଲାଣି ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଉପଦ୍ରବ ତାର ବଢ଼ିଗଲାଣି। କାହିଁକି ବିଜ୍ଞାନର ମିଛ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଆଜି ଆଧୁନିକତାର ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ମଣିଷ ଆଜି କ'ଣ ନା ନିଜର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଜି ଭୁଲିଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେବା ସଞ୍ଜବେଳେ, ଆଜି ଟାଉନ୍ ବଜାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସଞ୍ଜ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କେଉଁଦିନ ଓଷା ବାର ବ୍ରତ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେଣି, ଏପରିକି ପିତାମାତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କେଉଁଦିନ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଠାକୁର ଦେଖିବେ ଟାଉନ୍ ବଜାର ଘର ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଠାକୁର ଘର ନାହିଁ, ଠାକୁର ଘର କରିନୁ ଘର କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଘର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପିଲା ଶିଖିବେ କେମିତି? ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ନାନା ଉପଦ୍ରବ ହେବ ଏ ମହି ମଣ୍ଡଳେ, ଏଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଉପଦ୍ରବ ମାନ ସଂସାରେ ବଢ଼ିବ। ନ ମାନିବେ ବଡ଼ ସାନ ମତ ଗର୍ବ ଭଳି, ମତ ଗର୍ବରେ ବଡ଼ ସାନ କିଛି ମାନିବେ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ କାଳ ହେ ନାଶ ଯିବେ ଅଣାୟତ ଅନ୍ୟାୟର ବଳେ, ହେ ଅନ୍ୟାୟ ବଳରେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯୋଗୁଁ ନାଶ ହେବେ ଆଉ। ମହାପୁରୁଷ ହରିଅର୍ଜୁନ ଯାହାକି ହରିଅର୍ଜୁନ ଚୌତିଶାରେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାଣୀ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇଠାରୁ ଆମେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟ ଧାମ, ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟ ଧାମ, ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ, ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ, ଭଜ ପତିତ ପାବନ କଳ୍କି ରାମ, ଭଜ ପତିତ ପାବନ କଳ୍କି ରାମ, ଜପ ସତ୍ୟ ସନାତନ ହରେ ରାମ, ଜପ ସତ୍ୟ ସନାତନ ହରେ ରାମ, ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟ ଧାମ, ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟ ଧାମ। ସୁଧୀ ଜାନି ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍, ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ହି, ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।